सारे भाइयों राम राम भाई, मैं हूँ अजय सारण और सारण खाप चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज मैं जान ला रहा हूँ एक बार फिर से यूपी में, यूपी का जिला मेरठ और गांव मीरपुर जाऊँगा। तो चलो लेके चलते हैं आपको भाई। मीरपुर से मैं हूँ 4 साढ़े 4 किलोमीटर और मैं आपको ये रास्ता है, ये मेरठ से रोहटा होते हुए वह बड़ो उत्तर सोनीपत आगे निकलता है। चला भाई आगे देखेंगे, मिलवाता हूँ। लो भाई मैं मीरपुर पहुँच गया हूँ और चलो आगे मिलो। In 150 meters. ये है भाई मीरपुर और मैं जा रहा हूँ अपने बाबू जी हैं विजयपाल सारण, तो उनके पास मैं जा रहा हूँ। मीरपुर का देखो मंदिर है, शिव मंदिर। भाई मीरपुर में बैठा हूँ, जिला मेरठ और उत्तर प्रदेश, ठीक है, गांव मीरपुर। और यहाँ अपने गल बैठे हुए हैं दो बुजुर्ग, तो उनसे बात कर लेते हैं गांव में भाई कितने क्या घर हैं, इंट्रोडक्शन भी ले लेते हैं। चलो भाजी नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार। नाम बता दो। मेरा नाम विजयपाल सिंह सारण है और मैं शिक्षा विभाग में एजुकेशन में प्रिंसिपल से रिटायर्ड हूँ। 2009 में रिटायरमेंट हो गया था। अच्छा, और अपने सारण परिवार, ऑल इंडिया सारण परिवार का जो उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, अपने सारण भाइयों को पूरे हरियाणा मतलब, राजस्थान में जोड़ने का हम 2000 जो भी पंचायत होती है उसमें आप जाते हो मतलब? हाँ, जहाँ भी संगठन की मीटिंग होती है मैं उसमें सभी में। तो आपने यहाँ चंदौड़ी में भी करवाई थी शायद? चंदौड़ी में भी जो है मीटिंग हुई थी उससे 5 साल पहले, तो उसमें सभी अलग अलग राजस्थान हरियाणा से सभी लोग आए थे जब ये पहली बार यहाँ संगठन की यूनिट स्थापित की गई थी। अच्छा अच्छा और आसपास के सभी गांव के जो सार भाई हमारे यहाँ, मतलब आप सबसे कनेक्टेड हो मतलब यहाँ पूरे उसमें जुड़े हुए हैं। तो एक बुजुर्ग हो रहे हैं उनसे। अब जी आपका क्या नाम? राम कुमार सारण है जी। राम कुमार सारण। अच्छा, तो अच्छा बाबू जी आपका गाँव मीरपुर है, इसमें बैठे हम, तो इसमें कितने घर हैं सारणों के? इसमें इस समय जो है लगभग 40 घर सारणों के हैं। 40 बाकी हाँ, और दूसरे गोत्र के भी जाट हैं। हाँ हाँ, कौन से गोत्र हैं? और गोत्र के जो है राठी के, राठी गोत्र के 3 घर हैं और नेहरा के भी 3 घर हो रहे हैं और सरोई गोत्र के भी 10-15 हैं। मतलब चार पांच गोत्र देखो हर गांव में होते ही हैं। वो हैं, बाकी तो छत्तीस बिरादरी का गांव तो है ही है ना, सबके लिए सम्मान है वो तो, हरिजन है, ब्राह्मण। हाँ वो तो चलो देखो भाई, सारण को इसलिए अंडरलाइन कर रही होगी अपना जो गोत है उसके लिए चैनल बना रखा है, इसलिए अंडरलाइन करते हैं। तो बाबू जी से, बाबू जी ने बहुत डिटेल इकट्ठी कर रखी है सारणों की, जो पुराने मतलब इन्होंने फैमिली ट्री बोलते हैं वो बना रखे, वो भी देखेंगे चल के। फिलहाल गांव घुमाएंगे तो इनसे उसके बारे में वार्तालाप कर लेते हैं। तो बाबू जी नौकरी पैसा? यहाँ नौकरी पैसा में जो है करीब करीब परिवार में मतलब सरकारी ड्यूटी वगैरह पढ़ाई लिखाई 15 की संख्या ऐसी है, 40 परिवारों में से जो नौकरियों में है, इनमें से सेना में भी हैं और रेलवे में है, कुछ रेलवे के रिटायर्ड हैं, कुछ शिक्षा विभाग से भी हैं, पुलिस वगैरह में भी, पुलिस में भी हैं। अच्छा अच्छा, सभी डिपार्टमेंट को कवर करते हैं। आप टीचिंग लाइन में थे और टीचिंग लाइन में और भी हैं टीचर वगैरह? और हम मेरे चचा लगते हैं सोनी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। कारण वो रिटायर्ड हुए लेक्चरर थे। अच्छा, इंटर कॉलेज। तो आप बाबू जी बता रहे थे कि मतलब कोई विदेश भी गया हुआ है परिवार में से? हाँ, मेरे भाई के रामवीर सिंह जो रेलवे से रिटायर्ड हैं इंजीनियर, उनके 3 बेटे हैं। अच्छा, 2 ऑस्ट्रेलिया में। आपके भतीजे हो गए है ना? मेरे भतीजे हैं, 2 ऑस्ट्रेलिया में हैं। अच्छा, और 1 अमेरिका में है। ऑस्ट्रेलिया वाले तो उसे तो वहीं की सिटीजनशिप मिल गई है, वो तो अच्छा, वहीं सेटल हो गए। अच्छा अच्छा, तो वो वहाँ पे क्या करते हैं? वो है? वहाँ पे कोई मतलब बिजनेस कर रहे हैं कि जो वगैरह काम में लगे हुए हैं वहाँ? अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। और एक जो है इसका CEO है, कोई कंप्यूटर कंपनी है जो अमेरिका में है। अच्छा अच्छा, हेड है वो पूरे IT लाइन का। IT लाइन। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो भाजी डिटेल में पता नहीं है किस उसमें, बाकी ऊंची पोस्ट पे CEO बहुत बड़ा ही पोस्ट हो जाती है एक तरीके से IT लाइन की। तो चलो ठीक है। अच्छा तो भाजी आप ये बताओ, जैसे गांव में फ्रीडम फाइटर है कोई? गांव में फ्रीडम फाइटर तो नहीं है इस टाइम, पर रहे हो पुराने रहे हो? हाँ,
पुराने उसमें जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में मेरे दादाजी चौधरी मुख्तार सिंह और गांव के एक दूसरे भाई थे हरबंस सिंह, अच्छा अच्छा, सिरोही थे ये दोनों, फर्स्ट वर्ल्ड वार में इन्होंने ब्रिटिश पार्टिसिपेट किया था, पार्टिसिपेट आर्मी में थे उस टाइम, फ्रांस में जा करके और अरब में किसी क्षेत्र में जा करके। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार मतलब 1914 से 1920 से लिया था मेरे ख्याल से वो, है ना, उस टाइम उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। उसमें से बहुत बहुत दो मुस्किल जब पूरे बटालियन इनके जो है उसमें दो तीन आदमी बच करके आए थे वहाँ। तो एक मतलब अपने जो दादा और बता रहे हो आप वो थे, अच्छा अच्छा, और जो सिरोही वाले थे वो भी बच के आए थे, दोनों अपने गाँव से दोनों से आए थे, अच्छा अच्छा अच्छा। तो जो प्रधान मतलब आपके यहाँ तो प्रधान कह देते हैं, हमारे यहाँ सरपंच कहते हैं, तो गांव के जो प्रधान बनते हैं वो अपने सारणों में से प्रधान जो शुरुआत में पंचायत शुरू हुई थी उसके बाद एक दो जिला को छोड़ करके बाकी सारे तो अपने सारण ही रह रहे हैं। तो मेरे दादाजी चौधरी राज सिंह प्रधान, अच्छा, रहे, हाँ जी, और 10 साल मेरे से छोटा भाई कंवर पाल सिंह है वो गाँव में प्रधान रहा, और उसके बाद ये सारण हमारे यहाँ में जितने हैं ये जिसको सपोर्ट करते हैं करीब करीब वही गांव का सरपंच प्रधान। हाँ मतलब सबसे ज्यादा अपने सारण ही है, तो उस हिसाब से मतलब देखे या तो बोले या तो गांव सारणों का ही हो गया एक तरीके से ये भी। चलो अच्छा एक चीज और आप बता रहे थे, पुरानी हवेली थी वो अभी बच रही है? पुरानी हवेली थी वो जो नथन सिंह थे जब वो आए थे यहाँ मीरपुर, हाँ जी हाँ जी, उन्होंने मंदिर बनाया था, हवेली बनाई थी। तो मंदिर है ना, मंदिर तो चलो देख, हवेली है, मंदिर तो दिख गया था। चलो जो हवेली है वो पुरानी हो गई थी, बंटवारा होकर के कई टुकड़ों में बट गई, अच्छा अच्छा, तो मात्र गेट खड़ा है उसका बाकी। चलो वो दिखा देना आप, है ना। चलो ये घर बाबूजी का है विजयपाल जी, मीरपुर की फैमिली ट्री दिखा देता हूँ। देखो चौधरी नथन सिंह सारण मेरठ मीरपुर है ना मंसावली, ये फैमिली ट्री ये देखो, ये बाबूजी और ने पूरा फैमिली ट्री बनवा रखा है। ये देखो भाई यहाँ मेन रोड पे जितने भी घर दिख रहे हैं ना, ये देखो मीरपुर में सारे घर ये एक आध को छोड़ के बाकी सारे सारणों के मेन रोड पे मीरपुर में, और बाबूजी बता रहे हैं बाकी डिटेल्स। तो ये एक दो घर छोड़ के बाकी इस रोड पे जितने भी घर हैं अपने ये सारणों के ही हैं। ये देखो ये हैं सारे घर, ये गाँव मीरपुर जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। ये देखो भाई देखो ये सारे घर ये सारणों के हैं, बस यहाँ पे थोड़ा सा नेम प्लेट नहीं लगवाते गोतकी, है ना। ये भी अपने हैं देखो, ये जैसे मान लो ये मकान है, पुराना मकान है, हरियाणा में होता ना तो इस पे नाम गोत सब लिखा होता। अच्छा ये देखो ये रे भाई मेन रोड पे ये सारे लगभग, ये रे ये देखो मंदिर, और अंदर चलते हैं। इसकी जो नीम दरी थी वो किन्होंने दरी थी, जो बड़के जो थे नथन सिंह, नथन सिंह ने रखी थी, वही यहाँ पे आए थे पहले, और इन्होंने अच्छा अपनी जमीन दे करके, और 8 बीघे जमीन पुजारियों को दे करके जो इसके, अच्छा अच्छा, पुजारियों के लिए भी 8 बीघा अलग से दी थी उनके गुजर बसर के लिए मतलब भाई अपना। चलो ये देखो मंदिर बढ़िया बना रखा, सामने से दिखाऊंगा। और ये देखो भाई मंदिर के अंदर ये जो गेट आया है ना, यहीं से अंदर आके, और यहाँ पे ग्राम पंचायत सचिवालय भी यहीं है, ये भी बाबूजी और ने मतलब बता रहे हैं कि सब अपनी ज़मीन में बनवाया हुआ है। चलो ये देखो भाई यहाँ पे ये जो थे चौधरी नथन सिंह, ये आए थे मीरपुर में, और उन्होंने अपने पिताजी की याद में मतलब ये स्मृति स्थल बनवाया हुआ है। तो सारणों का यहाँ पे पूरा योगदान है, सबका पूरे गाँव का ही है, पर अपना भाई देखो नीम रखी थी उन्होंने, तो ये भी प्राउड की बात है। ये है मंदिर, ये देखो भाई अंदर से ये मंदिर है, और ये देखो ये था इसका फ्रंट गेट, लेकिन हम दूसरे गेट से आए थे, तो ये है मंदिर। चलो अंदर से भी दिखा देता हूँ, ये मंदिर है भाई, ज़्यादा डिटेल तो क्या दिखाएंगे, पर चलो ये बनवाया हुआ है, ये माता रानी का है में, ये राधा कृष्ण जी। हवेली दिखाऊंगा आपको, ये देखो भाई मतलब 250 साल से पुरानी है, और इसका बस ये पार्ट बच रहा है, ये दरवाज़ा हो गया मेन, और इसका भीतर का ताला लग रहा है नहीं, तो वो भी दिखाते हैं। ये देखो
ये है, ये देखो भाई बिल्कुल कती छोटी छोटी ईंट जो लग गया करती पहले वह है ये, और ये वही नक्शा बना रखा है कती, मतलब बहुत पुराने 200 कितने साल पुरानी बता रहे थे बाबू जी, 200-250 साल पुरानी, 200-250 साल पुरानी होगी लगभग, 1725 में आए थे उसका मान लो अगर 10 साल बाद भी बनाई होगी तो भी लगाएं तो भी 200-250 साल से ऊपर होगी मतलब, ये तो वो है अभी ताला बंद है इसमें चाबी है नहीं फिलहाल। ये लो भाई ये गेट भी मतलब उसी टाइम का पुराना है, पूछी मैंने बाबू जी और से बहुत पुराना गेट है भाई, 5-5 फुट ऊंची थी ये भी उभार के बनी हुई है। अच्छा ये थोड़ा सा ये जो बड़ी ईंट दिख रही है ये पाछ से इसका थोड़ा भाई कंडम हो गया था मामला जीव, और जो इसके बगल में ये है ये छोटी ईंट है भाई पुरानी वही, ये देखो छोटी छोटी ईंट है ये, तो रिपेयरिंग तो पुरानी बिल्डिंग मांगती है, रिपेयरिंग कर रखी है वो तो, लेकिन है पुरानी भाई जबरदस्त सौदा बना रखा था उस टाइम का भी, और बहुत बड़ी हवेली थी जितना भी ये हिस्सा जो बनाया हुआ बाबू जी और का, ये देखो ये हिस्सा और पीछे ये हिस्सा बना हुआ है यहाँ तक पीछे वहाँ तक है, ये इतनी बड़ी ज़बरदस्त हवेली थी, और मैं आपको दिखा दूँ यहाँ ये देखो ये पूरा हिस्सा हवेली में, तो इतनी पीछे है मतलब बड़ी और ज़बरदस्त हवेली थी भाई, जो कि अपने नियम है प्रकृति का कि मतलब 2-4 हो जाए जब तो हिस्सा तो बटेगा भाई, वो हिस्सा बटा और ये हवेली खंडित होगी टूटगी, बाकी बाबू जी ने अपने दम पर थोड़ा ये रोक रखा है जो उसका दरवाज़ा और पीछे एक कमरा है क्यों है वो भी मतलब बाबू जी ने तोड़ नहीं दिया, वो अपने हिस्से के हिसाब से रखा हुआ है सुरक्षित। ये था भाई मेरठ ज़िले का गांव मीरपुर, मीरपुर गांव आपको दिखा दिया है, तो इसमें अपने 40-45 घर थे, थोड़ा टाइम ऐसा ही है 12:30-1 बजे का टाइम हो रहा है, तो तावड़े से भी मिला नहीं है गाँव में, और यहाँ पर थोड़ा सा कम ही मिला है, तो अपने बाबू जी दोनों ने सब कुछ दिखा दिया है, तो भाई वीडियो में ज़्यादा ज़्यादा लाइक करो शेयर करो कमेंट करो और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर करो भाई, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो मिलेंगे अगले गांव के अगली वीडियो में, जब तक के लिए राम राम धन्यवाद।